मूवी के स्टार्टिंग में हम टून और जेन को देखते हैं। वो दोनों टॉन की वेडिंग में आए होते हैं। टून एक फोटोग्राफर है तो जेन फोटोग्राफी की स्टूडेंट। और जब वे दोनों घर पर वापस जा रहे होते हैं तभी रास्ते में उनके सामने एक लड़की आ जाती है। वे लोग उसे उड़ा देते हैं जिसके कारण उनकी कार सीधा जाकर साइन बोर्ड से टकरा जाती है। इस एक्सीडेंट में दोनों ठीक होते हैं लेकिन वे लोग उस लड़की की मदद करने की बजाय वहां से भाग जाते हैं। अगले दिन टून यूनिवर्सिटी फेयरवेल में जाकर फोटोज क्लिक करता है और जब उनके प्रिंट आउट आते हैं तो उन सब में उसे एक व्हाइट शेडो दिखती है। उसे लगता है कि ये सब प्रिंट करने वाले की गलती है पर वो उसे कहता है कि निगेटिव्स में भी शेडोज दिख रही है। इसके बाद जब जेन घर पर अकेली होती है तब उसे रूम में किसी के होने का एहसास होता है। उसे लगता है कि वो टून है पर जब वो अंदर जाकर चेक करती है तो सिंक में से एक लड़की की स्पिरिट बाहर आती है जिसे देखकर जेन काफी ज्यादा डर जाती है। लेकिन ये सिर्फ उसका एक सपना निकलता है। आगे जेन को लगता है कि शायद ये एक्सीडेंट वाली लड़की की आत्मा है जो उन्हें डरा रही है। फिर टून और जेन एक्सीडेंट वाली जगह पर जाकर पुलिसमैन से पूछते हैं। वो पुलिसमैन उनको कहता है कि यहाँ पर कोई लड़की का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, सिर्फ उस दिन कोई आकर साइन बोर्ड से टकरा गया था जो कि असल में टून और जेन ही थे। इसके बाद जब जेन कॉलेज से घर आ रही थी तब उसे एक स्टोर में मैगजीन मिलती है जिसमें स्पिरिट्स की पिक्चर्स लगी होती है। अगले सीन में जब टून काम कर रहा होता है तब उसके पास जेन आती है। उसी दौरान उसका फोन रिंग करता है तो वो उसे उठाने के लिए जाता है और जब वो फोन उठाता है तो उस तरफ जेन होती है पर जेन तो उसके साथ अंदर थी। इससे वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। इस इंसिडेंट के बाद टून और जेन उस स्पिरिट मैगजीन के ऑफिस में जाते हैं। वहां जाकर वो देखते हैं कि वो मैगजीन वाले उन पिक्चर्स को फोटोशॉप कर रहे हैं क्योंकि लोगों को ऐसी ही मैगजीन पढ़ना अच्छा लगता है। जेन और टून उन्हें बताते हैं कि वे लोग गवर्नमेंट की तरफ से चेकिंग करने के लिए आए हैं। तो ओनर उनसे बात करते हुए उन्हें बताता है कि हर पिक्चर जो वो छापते हैं वो फेक नहीं होती। फिर वो उनको अपनी कुछ पिक्चर्स दिखाता है जिसमें उसकी मरी हुई माँ की शैडो होती है। साथ ही में वो अलग अलग लोगों की पिक्चर्स भी दिखाता है जिसमें आत्माएं दिख रही होती है। वो उन्हें बताता है कि आत्माएं अपने लव वंस के साथ रहना चाहती है इसीलिए कई बार वो पिक्चर्स में कैद हो जाती है। कई आत्माओं को तो पता होता है कि किसी ने उनका बुरा किया है इसीलिए वो उनका पीछा कभी नहीं छोड़ती। अगले सीन में टून एक कपल का फोटोशूट कर रहा होता है और जब वे लोग वहां से चले जाते हैं तभी अचानक से स्टूडियो की लाइट्स बंद हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि कैमरा अपने आप पिक्चर्स क्लिक करने लगता है जिस दौरान हम टून के पीछे एक लड़की की आत्मा को देखते हैं जिसके बाद टून किसी तरह से लाइट्स को फिर से ऑन कर देता है। आगे वो अपनी गर्दन का इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल जाता है लेकिन डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि उसके सारे एक्सरे बिल्कुल ठीक आए हैं यानी कि वो बिल्कुल ठीक है। और जब डॉक्टर उसे प्रिस्क्रिप्शन बता रही थी तभी टून को लगता है कि वो उससे झूठ बोल रही है इसीलिए वो वहां से भाग जाता है। इसके बाद टून जेन के कॉलेज में आता है जहां पर जेन अकेली क्लास में बैठी हुई थी और जब टून उसके पास आता है तो वो देखता है कि जेन के मुंह और आंख में से खून निकल रहा है जिसके कारण टून काफी ज्यादा डर जाता है। मगर जल्द ही हमें पता चलता है कि ये सिर्फ उसका एक सपना था और जब वो जगता है तो उसे अपने लिविंग रूम में टॉन नजर आता है जो कि काफी डरा हुआ था। वो टून को कहता है कि वो मरने वाला है साथ ही में वो उससे कोई पिक्चर्स मांग रहा था। तो टून को कुछ समझ में नहीं आता इसीलिए वो उसकी वाइफ को फोन करने की कोशिश करता है पर तभी वो देखता है कि टॉन वहां से चला गया है। अगली मॉर्निंग जेन उस यूनिवर्सिटी में जाती है जिसकी पिक्चर्स में व्हाइट शेडो आई थी। वहां जाकर वो एक लैब में पोलोराइड कैमरा की मदद से पिक्चर्स क्लिक करने लगती है और उसे एक जगह पर किसी लड़की की शैडो नजर आती है जिससे डरकर जब वो वहां से जा रही थी तभी वहां पर लगी हुई एक पिक्चर फ्रेम नीचे गिर जाती है जिसमें एक लड़की की फोटो थी। तो जेन उस पिक्चर को लेकर कॉलेज के रिकॉर्ड्स में ढूंढने की कोशिश करती है जिसमें उसे उस लड़की के साथ टून की एक फोटो मिलती है। वहीं दूसरी तरफ टॉन के घर पर जाता है। टॉन का घर पूरा बिखरा पड़ा हुआ था। उसी दौरान टॉन बालकनी से कूद कर सुसाइड कर लेता है। और जब टून और जेन हॉस्पिटल में थे तभी वहाँ पर टॉन की वाइफ आती है जो टून को कहती है कि टॉन के अलावा उसके बाकी के दोनों दोस्तों ने भी सुसाइड कर लिया है। आगे वो पूछती है कि तुम लोगों ने ऐसा क्या किया कि जो एक एक करके सब लोग सुसाइड कर रहे हो। ये सुनकर टून को काफी शॉक लगता है क्योंकि उसे इस सब के बारे में कोई खबर ही नहीं थी। फिर हम टून और जेन को कार में देखते हैं जहाँ पर जेन टून से उसी पिक्चर के बारे में पूछती है जो उसे लाइब्रेरी में मिली थी।
जिस पर टुन बताता है कि उस लड़की का नाम नैत्रे है। वे दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ा करते थे और नैत्रे के साथ कोई भी ठीक से बात नहीं करता था, तो टुन ने उसके साथ बात करना शुरू किया, जिसके बाद वे दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। नैत्रे उसे काफी ज्यादा चाहने लगी थी। एक दिन टुन के फ्रेंड्स नैत्रे को परेशान कर रहे थे, इसीलिए टुन ने नैत्रे से पीछा छुड़ाने का डिसाइड कर लिया था, जिसके कारण नैत्रे अपना हाथ काट लेती है और वो टुन को ब्लैकमेल करने लगती है कि अगर उसने उसे छोड़ा तो वो अपने हाथ की नस काट लेंगी। आगे टुन जेन को बताता है कि नैत्रे की जिम्मेदारी टॉन ने ली थी और फिर मैंने उस दिन से उसे कभी नहीं देखा। वही रात में जेन और टुन नैत्रे के घर जाने के लिए निकलते है। अभी टुन को कार के मिरर में नैत्रे की स्पिरिट दिखती है, जिसे देख कर वो कार को भगाता है, लेकिन फिर भी नैत्रे की स्पिरिट उन्हें फॉलो कर रही थी। ये देख कर टुन काफी ज्यादा डर जाता है। अगली सुबह वे लोग नैत्रे के घर पहुंच जाते हैं, जहां पर वो नैत्रे की मॉम से मिलते हैं। वो उन्हें बताती है कि नैत्रे सो रही है क्योंकि उसकी तबीयत खराब है। और जब टुन और जेन नैत्रे के रूम में जाकर देखते हैं, तो वहां पर नैत्रे की डेड बॉडी होती है, जो कि काफी सड़ चुकी थी। नैत्रे की मॉम ने उसे अभी तक क्रीमेट नहीं किया था क्योंकि वो खुद भी मेंटली अनस्टेबल थी। तो टुन और जेन उन्हें समझाते हैं कि नैत्रे अब इस दुनिया में नहीं रही, उन्हें उसे जाने देना चाहिए, जिसके बाद वो नैत्रे का फ्यूनरल करने के लिए कहते हैं। फिर नैत्रे का फ्यूनरल रखा जाता है। फ्यूनरल में एक आदमी टुन को बताता है कि नैत्रे ने पिल्स खा ली थी, पर वक्त रहते उसकी मॉम ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करके बचा लिया, लेकिन ठीक होने पर भी उसने टेरिस से कूदकर अपनी जान दे दी। अभी हम देखते हैं कि टुन के पीछे नैत्रे खड़ी होती है और वो टुन के कंधे पर हाथ रखती है, जिससे वो काफी डर जाता है। वही फ्यूनरल के बाद जेन और टुन सोने जाते हैं। टुन कहता है कि नैत्रे उसका पीछा नहीं छोड़ेंगी, अगर वो मेरी जान लेने के लिए आई तो मैं उसे अपनी जान दे दूंगा। इस पर जेन उसे कहती है कि वे लोग काफी दूर आ चुके हैं और थोड़ी ही देर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। टुन जेन को हमेशा अपने साथ रहने के लिए कहता है, जिस पर जेन हाँ में जवाब देती है। जब वे दोनों सो रहे थे, तभी टुन को लगता है कि कोई उसकी ब्लैंकेट खींच रहा है और वो नैत्रे थी। टुन उसे देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागता है। तभी वो नैत्रे को सीलिंग पर चलते हुए देखता है, जिसके बाद वो सीढ़ियों से नीचे जाने लगता है, मगर वो कितना भी नीचे जाए वो वापस फोर्थ फ्लोर पर ही आ रहा था। तभी उसे जेन दिखती है और जब वो उसके पास आता है तो जेन ने अपने हाथ काट लिए थे, क्योंकि वो जेन नहीं बल्कि नैत्रे थी। टुन वहाँ से भागकर लैडर की मदद से नीचे आने लगता है, पर नैत्रे की स्पिरिट उसका पीछा नहीं छोड़ती, जो कि लैडर पर उल्टी लटक कर नीचे आ रही थी। टुन उससे बचने के लिए आखिर में लैडर पर से जंप कर देता है, जिसके कारण उसे काफी चोट लगती है। अगले दिन नैत्रे की डेड बॉडी को क्रीमेट किया जाता है। टुन और जेन को लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, जिसके बाद जेन अपने हनीमून की पिक्चर्स के प्रिंट आउट लेने के लिए जाती है, जहाँ पर उसे पिक्चर्स में उसकी और टुन की पिक्चर्स मिलती है, जो कि असल में नैत्रे ने खींची थी उस दिन जब टुन और जेन एक साथ बैठे थे। जेन उन पिक्चर्स में नैत्रे की स्पिरिट को देखती है। उन पिक्चर्स में एक सीक्वेंस बन रहा था, जिसे फॉलो करने पर स्पिरिट रैक की तरफ जा रही थी और उसमें से कुछ निकालती है, जिसके बाद जेन उस रैक में ढूंढने लगती है और उसे कुछ निगेटिव्स मिलते हैं, जिसे डेवलप करने पर उसमें नैत्रे और टुन के बाकी के फ्रेंड्स होते हैं। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां पर नैत्रे अकेली लैब में बैठकर पढ़ रही होती है। तभी टॉन और उसके बाकी के दो फ्रेंड्स, जिन्होंने ड्रिंक्स की होती है, उसकी तरफ आते हैं और उसके साथ बदतमीजी करते हैं। नैत्रे वहां से भागने की कोशिश करती है, पर वे लोग उसे वहां से जाने नहीं देते और टॉन नैत्रे का रेप कर देता है। जब वो ऐसा कर रहा था तो वहां पर टुन आता है। नैत्रे टुन को ये सब रोकने के लिए कहती है, पर टुन ऐसा कुछ नहीं करता। फिर टॉन टुन को कहता है कि वो उन लोगों के पिक्चर्स क्लिक करे, जिसकी मदद से वो नैत्रे को ब्लैकमेल करेंगे उसका पीछा छोड़ने के लिए। टुन ऐसा ही करता है और ये वही पिक्चर होती है जिसे जेन देख रही थी। तभी वहाँ पर टुन आ जाता है और जेन को टुन पर इस बात के लिए काफी गुस्सा आता है कि वो नैत्रे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। टुन से लड़ने लगती है। इस पर टुन कहता है कि वो नहीं जानता था कि टॉन उसके साथ ऐसा करने वाला है, लेकिन जेन उसकी एक नहीं सुनती और घर छोड़कर चली जाती है। उसके जाने के बाद टुन गुस्से से पोलोराइड कैमरा की मदद से पूरे घर की पिक्चर्स लेने लगता है नैत्रे को ढूंढने के लिए, लेकिन उन पिक्चर्स में नैत्रे उसको कहीं पर भी नजर नहीं आती, तो वो गुस्से से कैमरा फेंक देता है। तभी उस कैमरा में अपने आप ही पिक्चर्स क्लिक होती है और जब टुन उसको देखता है तो उसे पता चलता है कि नैत्रे उसके कंधों पर ही बैठी हुई है और इसी वजह से टुन की गर्दन में बहुत पेन रहता था और इसी के कारण हॉस्पिटल में उसका वेट डबल दिखा रहा था। फिर नैत्रे टुन की आंखों पर हाथ रख देती है और टुन को कुछ ना दिखने की वजह से वो विंडो से बाहर गिर जाता है। फिल्म के आखिर में हम देखते हैं कि जेन टुन को
देखने के लिए हॉस्पिटल जाती है जहाँ पर टून बैठा हुआ था, और हम डोर के रिफ्लेक्शन में देख पाते हैं कि नेत्रे अभी भी टून के कंधे पर बैठी होती है, और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म होती है।